सभी मित्रों को प्रेम भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं उदयपुर के सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील का दृश्य आप कर रहे हैं। जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। तो मित्रों, आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से पहाड़ियाँ सुलग रही है। देखिए, धुआं निकल रहा है सामने और कुछ आग जलती हुई पहाड़ियाँ आपको सामने दिखाई दे रही है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में जल कितना महत्वपूर्ण है। जल नहीं तो कुछ भी नहीं, जल नहीं तो कल नहीं। और सामने पूरी पहाड़ियाँ, जो कि टाइगर हिल वाला जो पहाड़ है, पूरा पहाड़ के उस ओर देखेंगे तो आप पूरा जलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से धुआं दिखाई दे रहा है। उदयपुर के अरावली पहाड़ियाँ, जब भी गर्मी का समय आता है तो पहाड़ियों में ये तो आग लगाई जाती है या आग ऑटोमेटिक लग जाती है, ये तो पता नहीं है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से दूर दूर करके पूरी पहाड़ियाँ जो है सुलग रही है। धुआं साफ साफ दिखाई दे रहा है। कैमरे से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको बता दें कि बहुत ज़बरदस्त धुआं निकल रहा है। तो आग बहुत तेज है, कितने ही जीव जंतु इसमें इस आग में मारे जाते हैं, उनके प्राण चले जाते हैं। और आप देख पा रहे हैं अभी भी धुआं बहुत ज़बरदस्त जो है वो हो रहा है। आपसे यही निवेदन करते हैं कि जल नहीं रहेगा तो जीवन कैसे रहेगा, इसीलिए जल का महत्व आप समझ सकते हैं। जल हमारे लिए, जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। अभी भी आप देख सकते हैं कि देखते देखते 4-4.5 फीट पानी फतेह सागर से जो है कम हुआ है, क्योंकि ये पानी सिर्फ उपयोग के लिए नहीं है, ये पीने के लिए भी काम में लिया जाता है फिल्टर करके। तो जल ही जीवन है, जल का महत्व समझे। जल है तो कल है, जल नहीं तो कुछ नहीं। बिना जल के संसार चलता नहीं है। जल के महत्व को समझें, पहाड़ियों को सुलगाएं। अगर सुलग रही है तो तुरंत प्रभाव से बंद करें। आप देखें कि आग ऊपर तक, चोटी तक पहुंच चुकी है। और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ऊपर जो चोटी दिखाई दे रही है, यहाँ पर आग पहुँच चुकी है। सुलग रही है पहाड़ियाँ हमारी, न जाने कितनी पहाड़ियाँ। पूरा दृश्य आप देख पा रहे हैं और देखते ही देखते आग चारों तरफ पसार रही है। तो आशा है कि प्रशासन इसको जल्दी बुझाकर जानवरों की रक्षा करेगा। इसी आशाओं के साथ जय हिंद। और आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि पहाड़ियों को न सुलगाएं, ये प्राकृतिक पहाड़ियाँ हैं। ईश्वर ने जिनको जीवन दिया है, ईश्वर ही जीवन देने वाला है और लेने वाला है। हमारा कोई अधिकार नहीं है हम किसी जीव जंतु पशु पक्षी की जान लें। ये पशु पक्षी हमारे जीवन में बहुत ही अमूल्य है, बहुत बड़ा योगदान देते हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। एक बार फिर आपका स्वागत अभिनंदन है। उदयपुर के सुप्रसिद्ध फतेह सागर की झील पर सैर करा रहा हूँ और सामने पहाड़ियाँ सुलग रही है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पहाड़ियाँ ज़बरदस्त सुलग रही है। देखते देखते टाइगर हिल जो पहाड़ है ये पूरा आग की चपेट में आया है। हम थोड़ा सा पास जाके भी हम देखेंगे, करीब हम 1 किलोमीटर झील के पास जाएंगे और वहाँ से हम देखेंगे क्या कुछ पहाड़ियों में चल रहा है। लेकिन अभी का जो दृश्य है वो बड़ा ही मार्मिक है, क्योंकि हमारा जो शहर है वो हरा भरा, ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी, जिलों की नगरी, मेवाड़ कई नामों से जाना जाता है। नियमित साफ सफाई और हमारे शहर में आप देखेंगे कि कितने मनपसंद हो जाते हैं जब भी कोई घूमने के लिए आता है। देखिए, साफ सफाई वाले हमारे बुआ जी लगे हुए हैं। धन्य है मेवाड़ की यह माटी, इसे माथे पे लगा लो। यहाँ गाई जाती है वीर गाथाएं महाराजाओं की,
से हृदय में उतार लो। मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान देने वाले ऐसे वीर महावीर इस मेवाड़ की नगरी में जन्मे, जिन्होंने जन्म लेकर पूरे मानवता की लाज रखी और भारत की शोभा बढ़ाई है। ऐसे वीर महावीर प्रतापी को नमन करो बार बार। देखिए कितना सुंदर नजारा है, ऊंट पर सवारी, बड़ा ही आनंद है यहाँ का। यहाँ आप देखेंगे तो प्राचीन ऐसा लगेगा हम बहुत पीछे चले गए, राजा महाराजाओं के जमाने में हाथी घोड़े पर बैठने के बाद आनंद की अनुभूति। और सामने सुलग रही है पहाड़ियां, सज्जनगढ़ जैसा दृश्य, पूरा टाइगर हिल वाला पहाड़ जो है पूरा सुलग रहा है। हमारे देश में कैसे लोग हैं, एक तरफ तो मछली को दाना डाल रहे हैं, दूसरी तरफ मछली पकड़ते हुए, अरे बाप रे, ये कैसा देश है हमारा, जहाँ धर्माती भी है और पापी भी है। तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप देख पा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पहाड़ियाँ धू धू कर जल रही है, ये देखिए कैसे पूरा, आप देखेंगे किस प्रकार से पूरी पहाड़ियां धू धू कर आग की चपेट में है। जहां पे भी आप देखेंगे आग ही आग आपको दिखाई दे रही है और धू धू करके पहाड़ियां जो है पूरी जल रही है। बहुत दूर है, हालांकि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर दृश्य बहुत ही मेरे कैमरे पे आप हल्का हल्का देख पा रहे, लेकिन ये पहाड़ियाँ देखो जलती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। और अभी तक कितने जीव जंतु छोटे बड़े इसमें शहीद हो गए होंगे, लेकिन अभी तक कोई जो है प्रशासन का कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हेलीकॉप्टर सब है, व्यवस्थाएँ रखी गई है, दमकल है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान, लेकिन हेलीकॉप्टर से आग बुझाई जा सकती है। कैसे धूं धूं करके जल रही है, तो ये पहाड़ियाँ सुलग रही है।